आपने जब देखा होगा कि बाहर में हम खाते हैं ना रसमलाई, तो बिल्कुल ही ऐसे येलो येलो सा रहता है, मतलब ऑरेंज कलर रहता है। तो आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, मैं भी डालूँगी, और चाहे तो ये कलर होता है फूड कलर वो डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसको अभी उबलने देना है हमें। ये दूध काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है जैसे उबल चुका है और गाढ़ा भी हो गया है, और ये जो मलाई साइड में जमा हो रही है ना, तो इसको हम मिलाएंगे नहीं, इसको बाद में निकालेंगे, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दूध बस इतना ही गाढ़ा हमें करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर थोड़े से नारियल के पाउडर हैं, ज़रा सा मैंने बादाम काटा हुआ 3-4, और ये पिस्ता है। तो बाहर जो हम खाते हैं ना रसमलाई, उसमें ये चीज़ें नहीं रहती है, थोड़ी सी पिस्ता रहती है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, लेकिन क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर और बादाम सारा ही डाल देंगे और पिस्ता भी। नहीं गाढ़ा हमें करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो फिर ना दूध बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और ज़रा सा चीनी डालना है, उतना ही जितना कि ये दूध बस मीठा हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो अब ये दूध बिल्कुल ही हो चुका है, अब इसे बंद कर देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना, और ये जो आप देख रहे हैं ना मलाई, ये रहने ही देना है, इसको बहुत अच्छे से नहीं मिलाना। थोड़ा थोड़ा आप मिला लें, लेकिन वैसे बस इसको ऐसे इस तरीके से निकाल के, ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसको कुछ इसी तरीके से रहने देंगे। रसमलाई बन चुकी है, मैं उठा के थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, पता नहीं गिर ना जाए। ये देखिए टन टना टन, कैसी लगी जरूर बताइएगा।
चलिए चलते हैं, अब दोपहर के हो गए हैं 2:30 और मुझे बंजारा जाना है और इसमें मैं लगी हुई हूँ। वैसे हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, उसके बाद ही मैंने इसको बनाना शुरू किया। ज़्यादा देर नहीं लगी है इसको बनाने में, बहुत कम देर में ही बन गई है। और चलिए चलते हैं मार्केट और देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है वहाँ पर, और अगर कुछ मैंने लिया तो आप लोग को अगले वीडियो में इसको शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं। अब हम सही जा रहे हैं क्या? आप सही जा रहे हैं, उसमें इतने सारे बंजारा मार्केट ऐड कर दिया है ना गूगल मैप्स पे। अच्छा। आप बंजारा मार्केट टाइप करोगे तो ऑलमोस्ट हर एक किलोमीटर में एक एक बंजारा मार्केट है, तो और सबका नाम भी सेम है। तो एक का नाम है द बंजारा मार्केट, एक का नाम सिर्फ बंजारा मार्केट, फिर एरियाज भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया कि कौन से वाले में जाना है। तो इसी वजह से हम लोग का थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है ना, थोड़ा गोल। जो करेक्ट वाला है वो है सेक्टर 56। अच्छा हाँ, उसमें वो वाला बंजारा मार्केट, नाम उसका आई थिंक बंजारा मार्केट गुड़गांव है, सेक्टर 56 वाला। चल के देखते हैं कि वो सही में वही बंजारा मार्केट है कि कोई और है, है ना? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे जाना था हमें, लेकिन शायद ये मार्केट कोई और था, हम कहीं और गए। लेकिन सेम ही मुझे लगा कि जहाँ भी मतलब बताया जा रहा था नेट के थ्रू हम लोग गए, तो ऐसा सेम सेम ही दिख रहा था। तो जो भी हो हम लोग गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट खुली नहीं थी, चाहे तो हम जल्दी पहुँच गए थे। हम पहुँचे थे यहाँ पे तकरीबन 2:30 या 3 बजे के करीब, और दुकान पूरी तरह से खुली नहीं थी, लेकिन और चीज़ें भी बहुत कम दिख रही थी मुझे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं गई थी ना कि थोड़ा सा वॉल डेकोरेशन की चीज़ें लूँगी और भी कुछ मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी दुकानों में नहीं थी। यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉकरी की ही चीज़ें थी, तो मैंने तकरीबन चीज़ें देखी और थोड़ा बहुत लिया भी। सस्ता तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको मोल भाव करना पड़ता है। मान के चलिए कि कोई चीज़ आपको 300 कह रहा है ना, तो ज़रूर वो 150 या 100 रुपये में दे देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जिद करना पड़ता है, नहीं तो नहीं भी देते हैं। क्योंकि अब इन लोगों को भी समझ में आ गया है कि जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं ना, वो उन्हीं के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और उनको यहाँ सस्ता मिलता है, इसलिए आते हैं। तो यही चीज़ है, तो वो लोग थोड़ा सा ना रेट बढ़ा के रखते हैं। मतलब जो चीज़ें हैं 100 रुपये की, तो उसको 200 रुपये कहेंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के रखते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मोल भाव करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो आप ज़्यादा चीज़ें भी नहीं ले पाते और देख भी नहीं पाते। धूप काफ़ी तेज़ थी, फिर भी हमने जितना हो पाया उतना कवर किया, और बहुत ज़्यादा दुकानें थी ही नहीं, तो मैं कवर क्या करती, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं मुझे लगा कि ये दुकानें हैं। पर ये जो होते हैं ना, ये वाले जो चीनी सेरेमिक वाले ये जो होते हैं गमले वमले, ये काफ़ी अच्छे थे, और साथ में मुझे कप प्लेट सब ज़्यादा अच्छी लगी। साथ में मैंने भी देखी, काफ़ी चीज़ें देखी, और जो मैं ढूंढने गई थी वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मिली बहुत अच्छी चीज़ें मिली। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक बार और जाऊँ, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से बहुत कम दूरी पे है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों अभी तक नहीं गई थी। बस मैं ऐसे ही कुछ लोगों को देखा था वहाँ पे जाते हुए, और मुझे इस मार्केट का पता भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस बार मुझे मिला मौका, और टाइम भी था, और साथ में मतलब मन भी था, तो निकल गए थे, और लेकिन चीज़ ही नहीं मिली। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर कुछ और भी अगर टाइम मिला या
ऐसे कुछ जाने का मौका मिला तो जरूर जाऊंगी मैं। पर जो चीजें देखी वो बहुत सुंदर थी, काफी सस्ती थी, पर मैं इतनी चीजें क्रॉकरी के हिसाब से लेने नहीं गई थी, तो जो मैं सोच के जाती हूँ मैं वही चीजें लेती हूँ। मैं ये ऐसे नहीं है कि मैंने सोचे समझे बिना ही कुछ भी ले लेती हूँ, मुझे जो लेना होता है मैं वही लेती हूँ। तो थी काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, और सबसे कमाल की बात है कि थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, प्लेटर वगैरह भी काफी अच्छी होती है वहां पर। तो चलिए चलते हैं घर, और थोड़ा सैड हो गई क्योंकि जो चीजें देखने गई थी लेने गई थी वो नहीं मिल पाया, और जाने आने का टाइम भी तो ऐसा होता है ना कि ये निकल जाता है, फिर अब थोड़ा सा दिन भी छोटा हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊं, आई होप कि मुझे वो चीजें मिल जाए। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए मार्केट से, बंजारा मार्केट से आ चुके हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत जल्दी में बहुत सारा काम हो गया और घर वापस आ गए। अब हो गई है रात और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ, और गर्मा गर्म तंदूरी चाय पी रही हूँ अभी मैं, और जो बाकी चीजें लेके आई हूँ वो मैं कल के वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि मैं और भी किस तरह की वीडियोज बनाऊं। चलिए गुड नाइट, क्योंकि हो गई है शाम तो मैं गुड नाइट ही कर रही हूँ और चाय पी रही हूँ, थक गई हूँ थोड़ी सी, तो अब आगे वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी, और बस मिलते हैं फिर कर...